से सहारनपुर जेल में अपने नौजवान साथी चंद्रशेखर से मिला था और बड़ी विस्तार से उनसे बातचीत हुई। अभी दो दिन पहले ही भीम आर्मी के दो साथी राजन गौतम और दीपक जी वो भी दिल्ली आए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि NSA कानून के तहत रिटायर्ड जजों की एक जो कमेटी होती है, चंद्रशेखर आजाद को आजाद कराने के लिए, NSA से आजाद कराने के लिए एक दरखास्त उसके सामने दी गई थी। पर बड़े दुख की बात है कि उन रिटायर्ड जजों ने, सरकार के गुलामों ने चंद्रशेखर की उस दरखास्त को कैंसिल कर दिया और उन्हें अगले 11 महीने के लिए NSA के तहत जेल में बंद रहने का ऑर्डर कर दिया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में और इस भारत में जो लोग आजाद ख्यालों के हैं, जो लोग दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए सिस्टम बनाते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, दुनिया की कोई जेल उनके विचारों को बंद करके नहीं रख सकती है। आप हमारे शरीर को बंद कर सकते हैं, जैसे अभी पुलिस ने यहाँ चारों तरफ बैरिकेड लगाया है, आप यहाँ बैरिकेड लगाकर हमारे शरीरों को बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे ख्यालों को बंद आप नहीं कर सकते। हम बंद नहीं होने देंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के कारिंदों को हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो NSA लगाया है, हम उसको कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाके गली मोहल्लों में भी लड़ेंगे। हम आपके NSA से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम ये बताना चाहते हैं, इस देश में केवल अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, 20 करोड़ लोगों को आप जेल में बंद नहीं कर सकते। हमारे साथ 20 करोड़ जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मिलकर 40 करोड़ होते हैं, उनको जेलों में बंद नहीं कर सकते। 10 करोड़ आदिवासी हैं, 50 करोड़ लोगों को आप जेलों में बंद नहीं कर सकते हैं। इस देश में आज लड़ाई इस बात की है कि चंद लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता रहेगी या इस देश की सत्ता देश के दलितों के हाथ में, आदिवासियों के हाथ में, अकलतियों के हाथ में रहेगी। साथियों, हम जानते हैं और मैं कहना चाहता हूं, जब उसकी जमानत मिल गई तो ये जो NSA है, ये राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सरकार के लोगों को, 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया था तो मीसा नाम का कानून होता था। मीसा कानून इस देश के आजाद ख्याल लोगों को जेलों में और घरों में बंद नहीं रख सका। हम बताना चाहते हैं, ये NSA भी दलितों की लड़ाई को कैद नहीं कर सकता। हमने आजादी में कसम खा ली है, हम आजाद रहेंगे और इस लड़ाई के लिए हमें सरकार से जिस भी तरीके से, कानून से, सड़कों पर आकर, चुनाव में आकर, जहां भी लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, चंद्रशेखर अकेला जल्दी जेल में नहीं है, हमारे सब, हम सब साथी उसके साथ हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, आगामी 5 जनवरी को संसद मार्ग पर हम लोग सांकेतिक भूख हड़ताल करने वाले हैं और देश के कोने कोने में ये भूख हड़ताल होने वाली है। योगी जी, योग करो और अगले चुनाव की तैयारी करो। जय भीम, जय भारत। वहां बताएंगे आपको।